देहरादून में भीषण गर्मी के बाद आज शाम से थोड़ी राहत मिली। बुधवार को मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदल सकता है, साथ ही 24 घंटे में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि कुमाऊं के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की आशंका है, तो वहीं 17 जून को भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 17 जून से 19 जून तक कहीं कहीं हल्की बारिश होती रहेगी, लेकिन 20 जून से 23 जून तक बारिश नहीं होने से तापमान फिर से बढ़ेगा। वहीं 23 जून के बाद दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। बिल्कुल, आज देखिए 15 तारीख से हमने बोला भी था कि जून की 15 से जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों में भी शुरू हो जाएगी, तो आज आप देखेंगे शाम रात से जो है जो एक्टिविटी है वो प्रदेश में मिलने वाली है। तो आज तो जो एक्टिविटी वो हल्की है आप ये कह सकते हैं, लेकिन कल जब आप जाएंगे तो आप कल देखेंगे जो बारिश है, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ज़्यादातर जगहों में वो देखने को मिलेगी। और जो कुमाऊं के डिस्ट्रिक्ट है जैसे नैनीताल है या फिर पिथौरागढ़ है और इधर भी देखें देहरादून है, तो इसमें एक आधुका जगहों में संभावना है कि भारी बारिश भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी।